भगवान से मिलने के लिए सोचते हो, गुरु से मिलने के लिए सोचते हो, तो सत्य ही आधार है। सत्य आधार है, सत्य छोड़कर कोई कृष्ण, अरे जिन कृष्ण का आगमन हो रहा है, अवतार हो रहा है वसुदेव के साथ और देवकी के पास कारागृह में, वहां क्या गा रहे हैं सब मुनि? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रि सत्यम, सत्य स्वरूप श्री कृष्ण, सत्य तुम्हारे जीवन में नहीं है, सत्य तुम्हारे आचरण में नहीं है, और तुम श्री कृष्ण राम दुर्गा देवी हनुमान काली, हजारों उनके रूप, लाखों उनके रूप, तुम सोच रहे हो उनको हलवा से पटा लेंगे, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, हम मुराद पूरी नहीं करेगी तो सूजी भी नहीं दूंगी, अब तुम्हारी हलवा से माताजी तुम्हारे पास आ जाएंगे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमही, इस परम अंधकार में अगर एकमात्र तुम्हारा कोई साथी है ईश्वर से मिलने का, गुरु से मिलने का, तो सत्य ही तुम्हारा आधार होना चाहिए। सत्य, सत्य के बिना बात नहीं बनेगी, सत्य के बिना बात नहीं बनेगी। दूसरा श्लोक कितना प्यारा है, अब इस पे मैं बहुत सुंदर और बोलता, पर हमें अब खटाखट दिखाई पड़ा, खट 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 ऐसे चल रहा है ये। धर्म प्रोज्जित कई तमोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सदाम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र निर्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृतके किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय औरुद्धते अत्र कृतभि सुश्रु सुभिस्तत्क्षणात्। दूसरा श्लोक, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। महाराज ये पहला जो श्लोक है, हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि सात सात दिन इसी पर बोलते, केवल इसी पर, जन्मादस्य यतो, इसी पे सात दिन लगाए। दूसरा श्लोक है धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र, इसी पे सात दिन। धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र, कितव का अर्थ होता है कपट। श्रीमद् भागवत किस धर्म का प्रतिपादन कर रही है? वहां चढ़ावा कर दिया, उसको ये कर दिया, वहां वो माता को कर दिया, उसको मारण मंत्र दे दिया, उसका उच्चाटन मंत्र दे दिया, उसका नाश हो जाए इसके लिए पूजा करवा दिया, उसका बेटा मर जाए इसके लिए पूजा करवा दिया। इन सब धर्मों का प्रतिपादन भागवत में नहीं है, और इन सब धर्मों का और इन सब निकृष्ट विद्याओं का इस भागवत जी में प्रवेश भी नहीं है, और भागवत जिन्होंने एक बार स्पर्श कर लिया है ऐसी विद्याएं उनके आसपास भी नहीं छटकती। लाखों को करने दो बैठ करके, ओम ओम करने दो, जो कुछ नहीं होना तुम्हारा, क्योंकि तुम भागवत के, परम भागवत के, भागवत जी तो स्वयं ये हैं और गुरुदेव भगवान परम भागवत होते हैं, तुम परम भागवत के आश्रय में हो। भागवत और परम भागवत के आश्रय में रहते हुए जीवन में कभी भी कोई ऐसी विद्या तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती, कोई विद्या कुछ नहीं कर सकती तुम। धर्म प्रोज्जित कई तो, प्रोज्जित का अर्थ होता है उज्ज्वल, उज्ज्वल चमक, बिना मिलावट का। कौन सा धर्म? भागवत किस धर्म का प्रतिपादन कर रहा है? प्रोज्जित धर्म का प्रतिपादन कर रहा है, लोभ का धर्म का नहीं। ये चढ़ा दो तो ये पालेंगे, वो लपेट दो तो ये मिल जाएगा, ये हटा दो तो ये आ जाएगा, इतनी बार घूम लोगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे बांध दोगे तो 3 करोड़ रुपया मिल जाएगा, इसको कर दोगे तो तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा। लोभ ही, लोभ का धर्म नहीं। यद्यपि ये सत्य है कि श्री कृष्ण ही हमारे माता पिता हैं, श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं, ईश्वर ही हमारे सर्वस्व हैं, और संतान के जीवन में कोई भी तकलीफ आएगी, दुख आएगा, तो माता पिता के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, गुरुदेव भगवान के पास नहीं जाएगा तो कहां। एक बार भूपति मन माही, अब हम इस पे तो एकाध दिन हमको समय मिले तब करेंगे, अभी ये छिड़ गया तो बाकी खराब हो जाएगी। बहुत कुछ ये सब चिपकते चले जाते हैं हमारे पास, जब कथा करने बैठते हैं तो बहुत सारे चिपकते रहते हैं कि हमको बोलो हमको बोलो, हम बोल देंगे तो भागवत रह जाएगी नीचे। एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोरी सुतनाही, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के मन में ग्लानी हुई, दुख हुआ, अरे सब जिंदगी गुजर गए, इतना ये सब दान कुछ है नहीं, जिंदगी में कुछ है नहीं, बेकार है। तो आए तो कहां गए? गुरु गृह गया वो
तुरत मही पाला गुरु गृह गया। आप लोग भी एक बार हाँ, गुरु गृह गया वो तुरत मही पाला गुरु गृह